देखो इनके सिंग भी बहुत बड़े बड़े हैं। नवाली है दादा चाला करके ना। तुम क्या परेशानी पे रह रही है अपनी बताओ का बेटा बैंगन बीन चल का वहां करा जी ने। राम भाई सारा ना, तो आप आश करूंगे आप सारे ठीक होंगे। तो आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज मैं अपने खिता मिल जाऊंगा, जेठ लाग रहा तो मैं दादा ने नुआन जा रहा डेली, तो उड़ मैं अपने दिखाऊंगा। तो फिलहाल खेत में आ रहा हूँ, इधर आधा राम पूछ लिया हूँ, तुमने दिखाऊंगा। पानी की कैन भर ली है, एक ठाक चलोंगे अपने खेत। आधा जो पकड़ूंगा थोड़ी दूर, आधा 1 किलोमीटर लगभग। अरे भाई पक जाना पड़ेगा, ये बता रहे हैं खाली धरती पड़ी है, मतलब डूम कट गई, ज्वार का सीजन आ रहा, ज्वार इतनी को बूंदा को नहीं, तो इसलिए बाढ़ के गिर रखे हैं। धरना खतर जल्दी तैयार हो जा, तो भी तैयार कर लेंगे इतने, तो इसलिए देख लो। रज भाई के सारे सारे मतलब जो नहर का छोटा सा वो है उसने रज भाई को आकर देख लिया, रज भाई है तो इसके सारे सारे पेड़ हैं, पूरे लंबे लंबे हैं पेड़। तो ये अपने खेत भी आना है, अरे देखो दिखाऊँ थमने वो पिंडा घूम जा दिखाना उड़े अपने खेत है, मतलब अपना दादा है जो पितर देवता है उड़े अपने हो ठीक भी बयान की तो उड़े अपने पितर देवता है। तो ये बुढ़े नुहान जाओ ना कि जेट लग रहा है, थोड़ा बक्सा खा तोड़े उसमें पानी भी डालेंगे ताकि पक्षी पानी पी ले। तो आप फिलहाल खेत में आ गए हैं, ये काका का खेत है और इस तरह थोड़ी नून ताऊ के खेत में काका है, ठीक है रखा। तो इसमें सब्जी ला रखी है, टमाटर है, टमाटर है, देखो घिया है, टिंडे हैं, इससे अगले वाले खेत में टिंडे हैं, घिया है, भिंडी भी थोड़ी ला रखी है, तो सब चीज़ है, सारी चीज़ दिखाऊंगा। तो फिलहाल खेत में पहुँच गए हैं, नवा के खेत उल्टी तो घिया तो क्या लग रही है, ये अलग ही है, इधर लगा टमाटर है, ये दिखने लग रही लग गई बड़ी 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 भिंडी। अपने दादा दौरा गए, इन्हें नहावे चल लागे, नहा लिए हैं दादा चल करके ना। लाड़ा 2-3 किलो में सब्जी सब्जी है ज्यादातर, देर ही गया देखिए टमाटर गिर रहे, देखो कितनी सूखी पड़ी है जमीन, क्योंकि ये मैं जो फिर बुआ कहे पानी दे देंगे इनमें, पानी दे पाते थोड़ा अडंगा जमा होगा, मतलब जो दाना भी इतना दखल ना देवे, तो इस वजह से ये छोड़ रखी है, फिर थोड़े दिन में इन्हें बुआ देंगे। कोई मैं दादा नु आके घर कह जावांगे, घर आ जाए पाछे खेत में जाना है, क्यों उड़े ज्वार बुआ रखी है, दिखाऊंगे वह भी ज्वार में डोली देनी है, फिर ट्रैक्टर भी सीखने जाना सीखोगे, क्योंकि डंपर चल रहे हैं तो भाई का ट्रैक्टर चल रहा है। तो ये मैं देख लो इतनी मेहनत करी, 5 बजे उठ कर फिर नहा के फिर आप खातर एक वो लोग तैयार करने लग रहा हूँ, इसमें आप पूरा सपोर्ट करो मैंने, ताकि मैंने फिर और भी बढ़िया बढ़िया वो लोग सुनाऊँ। तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो जो नए हैं यूट्यूब चैनल पर। तो ये घर जाकर फिर आप खेत में चल लाँगे, दूसरे कह नहीं खर काला फिर उड़े जो आर दिखाऊँ किसी के बुरा किए, एक तो पहला बुआ दिया था एक ही बुआंगे। देखो भाई यार गांव भी आ रही हैं, ये मतलब जो राजस्थानी वगैरह है इनका ऐसा काम है भाई, राजस्थान 2-2-3-3 स्टेट दूर चले जाए, मनमाने राजस्थान है ना, तो मनमाने हरियाणा में आ रही है, तो हरियाणा तो हिमाचल में चले जाए, तो मतलब बहुत दूर दूर तक चले जाए, देख लो था मैंने और लोग दिखाऊंगा। देखो इनके सिंग भी बहुत बड़े बड़े हैं, मतलब लगा रखे हैं तो आड़े ये रहे आकर है, आड़े ये गांव बंद आकर इनकी 3-4-6 बग्गी है, 6 मतलब बग्गे हम घर बना रहे हैं। तो अगर आप पहुंच गए हैं तो भाई फिलहाल खेत में आ गए हैं, खेत में डोली देने लग रहे हैं, फिलहाल देख लो या डोली देने लग रही, तो डोली दे पाछा है जो बरसम काटेंगे, बरसम भी अपनी है ये दिखाऊंगा, जवार की पड़े करके जब जाके वो आल हो पाछा, आल में बोई है जवार, तो ये मैं दिखाऊंगा था हमने। तुम या बरसम पे रह रही है अपनी, यो बताऊ का बेटा बैंगन बीन चल का वहां करा जी ने।
तो ज्वार को करवा आ करें, मैं बताऊँगा अपने पहले या 3-4-5 दिन पहले पड़े करनी पड़ा करे, पानी देना पड़ा करे, फिर इसमें बुआया करे 4-5 दिन पास मतलब आल रहे थोड़ी थोड़ी बीज बे कर फिर इन्हें बुआ दिया करे। तो देख लियो ज्वार की पड़े करके ज्वार बो रखी है, ये यार डोली दे ही है वो स्पीड में डोली दे रखी है। तो उस किले में जो किला रह रहा दिखा है, या भी अपनी ज्वार है इसमें भी दिखाऊंगा जल्दी जाकर उड़े कि कितनी बढ़िया जामे की खुशके है। तो यहाँ घने दिन पहले बो रखी है, कम से कम 10-15 दिन पहले बो रखी है। तो मैं फिलहाल घर आ गया हूँ, घर आई रोटी खाने लग रहा हूँ, रोटी भी वो करेला है, रोटी है और लस्सी है। तो मैं डोली डाली दिया घर आ गई, नहा कर धो के फिर ट्रैक्टर सीखने जाऊंगा। तो सर मैंने रोटी खा ली है, तो फिलहाल इतना ही आज की वीडियो में। तो मैं जिसने जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए थे वो सब्सक्राइब कर दो, चैनल लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और सपोर्ट करो भाई। मैंने घर के तो सपोर्ट करते ही नहीं, बाकी तुम तो सपोर्ट करो, मैं घर की वीडियो बनाने तनाटे भी हैं, तो फिलहाल आप तो सपोर्ट करें इसको। तो जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आपके लिए जल्द ही नई वीडियो लेकर आऊँगी। और आगे तो मैं थोड़ा हिंदी यूज़ करने की कोशिश करूँगा क्योंकि वीडियो तो यूट्यूब पर जावे है, तो कुछ हरियाणा वाले थोड़ी ना देखा है, सारे देख दे पाऊंगे। तो इस वजह से आगे हिंदी भी यूज़ करेंगे थोड़ी। जय हिंद जय भारत, राम राम।